नमस्ते इंडिया, आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत है। आज 1 जनवरी 2022 है, आप लोगों का नए साल में स्वागत है। आप लोगों को नए साल का मुबारक हो। हम नए साल में आज बहुत मस्ती करेंगे, उनके कुछ पकवान बनाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि लोग गांव में कैसे पिकनिक मनाते हैं। आज सुबह के 8 बज चुके हैं, तो भी मौसम साफ नहीं है, चारों ओर कुहासा है। मौसम कब तक साफ होती है पता नहीं, फिर भी आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। आप देख सकते हैं चारों ओर कुहासा छाए हुए हैं। ये देखिए कुहासा है, चारों ओर कुहासा है, कब तक साफ होगी पता नहीं। हम लोग नदी की ओर जा रहे हैं। चलिए आप लोग हमारे गांव के नदी को दिखाते हैं कि हमारे गांव में नदी कैसा है। नदी तो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। यह हमारा सागवान पेड़ का जंगल है। यह हमारे गांव की छोटी सी नदी है, इसमें जनवरी फरवरी तक ही पानी रहती है, उसके बाद यह सूख जाती है। बहुत ही साफ पानी है। बचपन में हम लोग यहीं पे आसपास हम लोग पिकनिक बनाया करते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे। आज से 15-20 साल पहले हम लोग यहीं पे पिकनिक मनाते थे। हम लोग सुबह 9 से 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाते थे। उस समय धान कटने का समय होता था। आज वर्तमान समय में धान बहुत जल्दी ही पक जाती है, काट के हम उसको मिस के घर के अंदर ले जाते हैं। लेकिन आज से 15-20 साल पहले जनवरी तक धान कटती थी, उसके बाद हम उसके खलिहान में रखते थे, उससे मिसते नहीं थे, जिस कारण हम लोग धान काटने के साथ साथ पिकनिक भी मनाते थे। ये आज से 15 साल पहले की बात है। यही आसपास हम लोग पिकनिक मनाते थे पहले। ये देखिए बड़े बाबा पुआल से पीढ़ा बना रहे हैं, इसमें हम लोग बैठ सकते हैं। पीढ़ा वो होता है, चेयर की तरह होता है, नीचे में बैठ सकते हैं हम लोग। एक रोज पहान पौरे साल पहान बनाल फिर बना लिए इसने। कैसे बना ली इसे, का लिखे बना ली इसन, यही कहती है से हवाले। हाँ, ये टोला का धान। अब देखिए ये पीढ़ा पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। देखे खींच के सके जाए डोरा ही बैठ के देखा।
ये हमारे बकरी का घर है, बकरी चिल्ला रहे हैं। मुर्गा का शिकार किया जा रहा है। आज नए साल के उपलक्ष्य में हम मुर्गा का शिकार कर रहे हैं। ये देखिए हमारा देखी मुर्गा, हमारा शिकार, आज का शिकार। आज हम इसका शिकार किए हैं, आज इससे पिकनिक मनाएंगे हम लोग। बहुत मेहनत करने के बाद पकड़ाया है ये मुर्गा। मत करना खून मारबो करते हो। टोकरी लाओ रे। टोकरी लाओने जाने का। हाँ। पुदगरे पढ़ते हो? पुदगरे मुड़ी करे। हम लोग मुर्गा बना रहे हैं। आज देसी मुर्गा का शिकार किए हैं ना, इसको पुदगरे हैं। वो इतन बाबा को जल्दी जल्दी बना दे। लाइक के खींच तू बन कर कर सारे बन चालू कर और जाकी का कर दियो बका मन का दे दी बाबा। वो लोग का फोटो हो गया। ऐसे में चल रुआ का ले डाला सुबह बटे झोलेगा रे उधर ऐसे में लो ऐसे में बस अगर ओ इधर खाना थोड़ा किने आतो आदमी बटे आई बटे झुकी बोलो बोलो लेके दे दी बोलो बड़ा किस भी छोड़ दो
पिटाई खाएगा। इस मुर्गा को आग में झोल के हम इसको साफ कर चुके हैं, इसका सारा पंख को साफ कर चुके हैं। अब इसको हम इसको पानी से धोएंगे, उसके बाद काटेंगे। सके देख तो चूल्हा में सलगाओ, बाहर भीतरे है, बाहर बना दो, बाहर बना दो। अरे 17 बाद में तो हो गई तो बोला ही ना आओ बता भी रहे बड़का कहीं पीछे बड़का कहीं पीछे देखा को बता किया कल ही ना तो आलू कुल की सब्जी और देखा हमें हाथ हो। मछली जलती रानी है, जीवन उसका पार है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, दो दिन होगा सर बिल्ली आकर खा जाएगी। दूर की पुआ पकाए गुड़ की, आप खाए थाली मुन्ना को दो प्याली में, मुन्ना गया रूट मुन्नी गई टूट। मछली जल की रानी है, जीवन उसका है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकाल जाएगी, दो दिन होगा सर जाएगी, बिल्ली आकर खा जाएगी। ना गोल पापा कहते पैसे गोल, मम्मी कहती रोटी गोल, बच्चों कहते लड्डू, मैडम कहती दुनिया गोल, सब कुछ गोल गोल मचोल। जॉनी जॉनी पापा ईटिंग सुगर नो पापा टेलिंग नाइन नो पापा। चल फिर से कैमरा देख के जल का आना है, जमात और का पाया है आते बाद आ जा। मैं आला आज हमारा तो अपन दिया के नहीं लाने पाले तो हम तो किन बच्चा कर बोलते। हमारा चूल्हा जल चुका है, अब इसके ऊपर हम चूल्हा के ऊपर कढ़ाई डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हमने प्याज लहसुन अदरक सारा कुछ एक साथ डाल चुके हैं। प्याज और लहसुन को हम अच्छी तरह से भुनने दे रहे हैं। सब कोई नहाया, हम नहीं नहाएंगे। हमारा प्याज पूरी तरह भुन चुका है, प्याज भुन चुका है। अब इसमें हम लोग मीट डालेंगे।
हमारा चिकन भुन चुका है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। बच्चे आटा गूंद रहे हैं, इससे हम लोग पूड़ी बनाएंगे। और क्या बनाओगे पीयूष? चिकन। चिकन इससे क्या बनाओगे? चिकन तो इधर बन रहा है, इससे क्या बनाओगे? पूड़ी। हम लोग धनिया पत्ता डाल रहे हैं। चलावे थोड़ा सा जगह दे गांव में सभी बच्चे मस्ती मार रहे हैं।
खेलना रे समझ के नए साल का पहला दिन का सूरज ढल चुका है।